हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल चौधरी बरखा हरियाणवी व्लॉग्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं दोपहर बाद केक बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 6 पैकेट लिए हैं। ये मैजिक के पैकेट है ऑरेंज फ्लेवर में, और इनको मैंने तोड़ के क्रीम को अलग निकाल लिया पैकेट खोल के, और बिस्कुट को अलग कटोरे में तोड़ लिया है। तो क्रीम से मैं सजाने के लिए अलग से क्रीम बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ गरम दूध लिया है, इसको बनाने के लिए मिक्सी का यूज़ नहीं किया है, तो मैंने कटोरे में ही गोल बना लिया है। गरम दूध में जल्दी फूल जाते हैं बिस्किट, तो इसलिए मुझे मिक्सी की ज़रूरत नहीं लगी। ये तामझाम अलग करके मैंने कटोरे में तोड़ लिए हैं बिस्कुट को। देख, गोल बन के तैयार है पेस्ट। ये मैंने ऑरेंज फ्लेवर में लिए हैं बिस्किट, 6 पैकेट लिए थे, और एक पैकेट फिर मैंने पार्ले जी का ले लिया है इसमें। और ये 1.5 गिलास के करीब इसमें दूध लग गया, थोड़ा सा बचा अभी तो ये डल जाएगा इसमें, इनो डालूंगी मैं। और देखिए, गुठली एक भी रही ना गांठ इसमें, अच्छे से मैश हो गई। ये जो दिख रहे हैं ये तो अब इसमें बबल से बन रहे हैं। इसमें मैं लगा रही हूँ घी, घी है ये, अच्छे से लग गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी मैदा 1 चम्मच के करीब। इसको अच्छे से घुमा लूंगी क्योंकि बटर पेपर ना है मेरे पास। पिछली बार कागज लगाया था तो उसमें गड़बड़ हो गई थी, वो चिपक गया था, उसमें निकालना भारी पड़ गया था। ये मैं इसमें एक इनो डाल दूंगी, पूरी इनो डाल दी है इसमें से, बचाई नहीं है क्योंकि पैकेट ज़्यादा थे बिस्किट के, घोल ज़्यादा है, तो इसलिए पूरी इनो डाल दी है। और अब इसको मैं तुरंत ही मिला दूंगी इसमें 1 चम्मच के करीब दूध डाल के, छोटी खाने वाली चम्मच जो होती है, इतना दूध लिया है। ये इनो डाल दिए मैंने इसमें, और अब इसको मिला के तुरंत ही फिर उसमें डाल देना है कटोरे में जिसमें बनाने के लिए रखना है। मिलाने के बाद ज्यादा नहीं घुमाना है इसको, बस थोड़ा सा ही एक ही साइड में घुमाना है, उल्टा सीधा नहीं घुमाना है। और तुरंत ही इसका जिसमें भी बना रहे हो आप बर्तन में, उसमें डाल देना है इसको, ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसमें भर दिया है, और अब इसको थोड़ा सा ऐसे स्लैब पे मार लेना कटोरे को, ताकि इसमें नीचे कोई हवा वगैरह ना रहे, हवा निकल जाए इसमें जो थोड़ी बहुत एयर बनी है। तो ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, पुराना नमक बचा पड़ा था पहले केक बनाया था, वही नमक मैंने दोबारा यूज में लिया। और ये छोटी सी कटोरी रख दी है, मेरे पास स्टैंड नहीं है तो कटोरी रख दी है, और इसके ऊपर रख दिया है कटोरा ये घोल वाला। अब इसको ढक के रख दूंगी, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा था इसलिए मैंने दोबारा इसको उठा के रखा है। 15 से 20 मिनट बाद आप देखते रहना इसको, मैंने बीच में दिखाया नहीं था। और यहाँ मैं बना रही हूँ जो क्रीम है उसकी, क्रीम बना रही हूँ उसके केक के ऊपर लगाने के लिए। ये उसमें से निकाली थी क्रीम जो बिस्किट में थे, गोला बना दिया मोनी ने इसका, तो ये वो है। अब मैं ये गर्म दूध हो जाएगा तो मैं इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है 1 चम्मच के करीब। बरखा या मैदा वाली तो काट दे। केक बन के तैयार है, बिल्कुल साफ निकला चक्कू। अब इसे छोड़ देते हैं ठंडे होने के लिए, इधर से भी। केक बन के तैयार है, देख बहुत सॉफ्ट है। अभी ये गरम है, गरम में निकाल दिया है मोनी, थोड़ी सी जल्दी लग रही। अभी इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये वो क्रीम है जो बनाई थी बिस्किट में से निकली थी वो क्रीम, और एक गिलास दूध गरम करके उसमें बनाई थी, अब वो ठंडी हो गई है। ये भी बिल्कुल खोवा जैसी, रबड़ी जैसी बन गई थी, तो इस अच्छा टेस्ट आया था इससे। और आप भी जरूर बना के देखना, और ये सारी फैला देना चारों तरफ नीचे तक, तो क्रीम जैसी लगती है ये।
अभी मैं मेरे पास सजाने के लिए और कुछ नहीं था, तो मैंने इस पे दो चार किशमिश लगा दी थी और दो चार दो काजू लगा दिए थे। यही इससे भी देखिए अच्छा लग रहा है, केक बन के कैसे तैयार सजाने है। से भी मैं कुछ ना हो तो इसी तरह से सजा चॉकलेट दें। और वगैरह वीडियो नहीं थी पसंद तो आए मैंने वो तो किशमिश लाइक और कर देना काजू और से चैनल को सजा दिया, और ये सब्सक्राइब बीच कर में एक लेना जो बादाम लगा नए जुड़ दिया रहे है। हैं मेरे साथ, चलिए अब आप इसको लोग काट उसके लेते जुड़ने से हैं। मेरा मोटिवेशन होता है, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप मेरे साथ। चलिए आप लोग भी खा लीजिए केक, लीजिए देखिए अच्छा बना था केक, बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बना ये था फ्रीज में केक। रख दिया था थोड़ी देर तो तो आप भी ये जरूर जम के ट्राई करके तैयार हो देखना गया एक है। बार, घर पे ही ऐसे में कहीं नहीं मिल रहा है केक, तो चलो कर दे।